Welcome to my channel CHOM. We shall discuss one more conditional GST amnesty proposed in Budget 2024 by our Honorable Finance Minister. Hi, happy Sunday. Back with one more update. Budget 2024 में GST conditional amnesty भी लॉन्च किया गया वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए, जिसके तहत नया सेक्शन 128A हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिमांड्स रेज्ड अंडर सेक्शन 73 ओनली. मतलब ये कंडीशनल एमनेस्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन फ्रॉड केसेस, दैट्स इट. और असेसमेंट्स ओपन होना चाहिए, डिमांड रेज होना चाहिए, तो फ्रॉड केसेस, फेक बिलिंग, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, विलफुल इवेशन ऑफ टैक्सेस, ये केसेस के लिए ये वेवर नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ अ कंडीशनल जीएसटी एमनेस्टी इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 128A फॉर ओनली सेक्शन 73 नोटिसेस, दैट इज नॉन फ्रॉड केसेस. अगर आपका डिमांड पेंडिंग है और आपने अपील किया है, एट वेरियस स्टेजेस ऑफ अपील आपका केस पेंडिंग है ये 3 साल का, तो 31 मार्च 2025 तक आपको डिमांड पे करना पड़ेगा और आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट का 100% वेवर मिलेगा ओनली फॉर सेक्शन 73, दैट इज नॉन फ्रॉड केसेस. ये जो टीथिंग प्रॉब्लम थे पहले 2-3 साल में, तो कंप्लायंस हेवायर हो गया है, उनके लिए ये कंडीशनल एमनेस्टी कंडीशनल वेवर लॉन्च किया गया है एज पर बजट 2024. होप यू आर लाइकिंग द अपडेट्स. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इन केस ऑफ एनी डाउट्स काइंडली मेल मी और मैसेज मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. हैव अ नाइस संडे. 31st जुलाई ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न का, और फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिटर्न, फ्लेयर रिटर्न का भी ड्यू डेट 31 जुलाई है. हैव अ नाइस संडे.